एक कविता है आपके सामने प्रस्तुत। प्रश्न ये है कि देश किसका है। उत्तर देने का प्रयास करता हूं कि पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश्य होता है। जहां रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जहां रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। हिंदुस्तान कैसे बदलेगा? क्षितिज तक शोर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, क्षितिज तक शोर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। कई देशवासियों को भी ये प्रश्न मन में आता होगा उनके कि ऐसा क्या है जो भारत में बाकी दुनिया के किसी देश में नहीं है। तो उत्तर देना चाहता हूं। छह ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश, छह ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश, अध्ययन करो तो पाओगे सारी दुनिया में है विशेष, अध्ययन करो तो पाओगे सारी दुनिया में है विशेष, सभ्यता यहाँ पर जिंदा है, पूजे जाते हैं संस्कार, कल 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 करती है पवित्र पावन नदियां ले धवल धार, हिमवान किरीट बना जिसका उत्तर में प्रहरी के समान, दक्षिण में सिंधु पखार चरण देता रहता है अभयदान, पूरब में खाड़ी का गौरव, पूरब में खाड़ी का गौरव सीमा को रक्षित करता है, पश्चिम में अपना अरब सिंधु निज गुरुता का दम भरता है, निज गुरुता का दम भरता है, त्योहार अनूठे लगते हैं, व्यवहार अनूठे लगते हैं, खोजो तो पाओगे जवाब मनोहार अनूठे लगते हैं। ऐसी है भारत की धरती, ऐसी है भारत की धरती, रहता है जहां जीव निर्भय, सत्ता से यदि हो गई चूक तो ईश्वर करता है निर्णय, तो ईश्वर करता है निर्णय, होगा न बाल बाका हरगिज, होगा न बाल बाका हरगिज, कर लोगे यदि मन में निश्चय, कर लोगे यदि मन में निश्चय, सबसे करबद्ध निवेदन है बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।